The sum of reciprocal of Rahman is 3 years ago and 5 years from now is 1/3 find its present age. तो जो रहमान का एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, ओके, उस एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है तो उसका प्रेजेंट एज क्या है. तो मान लेते हैं जो भी जो चीज निकालना होता है उसी को मान लेते हैं. मान लेते हैं कि इसका प्रेजेंट एज, मान लेते हैं उसका प्रेजेंट एज x है. लेट रहमान एज x year, ओके. अगर उसकी एज की बात करें 3 साल पहले, ही एज 3 years ago, क्या होगा x माइनस 3 और 5 years फ्रॉम नाउ क्या होगा x प्लस 5, ओके. तो इनका जो सम है रेसिप्रोकल का सम अगर देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x-3 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है. ये हो गया x प्लस 5 और ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया 2x+2 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x-15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है. तो हमारे पास आएगा 2 कॉमन लेंगे x प्लस 1 और इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 × 2x+2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 1x² + 2x-15, ठीक है. मल्टीप्लाई करो 6x+6 = 8x² + 2x+, ठीक है. सबको एक ही डायरेक्शन में लेके आते हैं तो क्या आएगा x² + 2x-15 - 6x - 6 = 0. तो x² - 4x - 21 = 0. इसको सॉल्व करते हैं, x² - 7x + 3x - 4x आया, मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है = 0. x कॉमन लेंगे x-7, यहाँ पे 3 कॉमन लो x-7 = 0, x-7 x + 3 = 0, x-7 = 0 एंड x = 7 एंड x + 3 = 0 एंड x = -3. जो एज होगा वो माइनस में तो हो नहीं सकता है. अगर माइनस में एज हो गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो तो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है. तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो करेक्ट वैल्यू क्या होगा, 7 होगा. तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 होगी. तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर, ओके, क्लियर.